हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जहलिम एकेडमी आज का वीडियो मैंने लाया है काउंट्स असिस्टेंट पे जिसका एग्जाम कमिंग संडे को होने वाला है एडमिट कार्डस भी आउट हो चुके हैं तो इस वीडियो में रहेंगे टॉप थर्टी एम अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इंडिया हैज़ प्लेज टू एंड द एच आई वी एड्स पैंडमिक बाई विच ईयर तो किस साल तक किस साल तक हमें पैंडामिक को सॉरी एच आई वी को एराडिकेट करना है तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी टू थाउजेंड थर्टी तक क्वेश्चन नंबर बी यूनिक्स इज रिटन इन विच लैंग्वेज यूनिक्स को हम किस लैंग्वेज में लिखते हैं इसको हम सी लैंग्वेज में लिखते हैं ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड थ्रेड इज ऐ थ्रेड क्या होता है थ्रेड होता है लाइट वेट प्रोसेस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर बोलता है हमें द पावर पॉइंट दैट डिस्प्लेज ओनली टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ टाइटल एंड ब्लैट इज नोन एज तो इसको हम क्या बोलते हैं ये होता है आउटलाइन व्यू आउटलाइन व्यू होता है ये क्वेश्चन नंबर फिफ्थ द बजटरी कंट्रोल हेल्प इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ तो बजटरी जो कंट्रोल है ये किस में हमें मदद करता है किस चीज में इंप्लीमेंटेशन में मदद करता है तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में व्हाट इज अ ट्रायल बैलेंस ट्रायल बैलेंस क्या है ये ना ये होता है पर्सनल अकाउंट ना होता है नॉमिनल ना होता है रियल तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो है नीज क्वेश्चन नंबर सेवन ए लेजर कॉलम दैट कनेक्ट्स द एंट्री टू द जर्नल इज कॉल्ड एज तो लेजर में एक कॉलम होता है जो कनेक्ट करता है किसके साथ जर्नल के साथ तो इसको हम बोलते हैं जे एफ कॉलम जे एफ कॉलम होता है जर्नल फोलियो जर्नल फोलियो एल एफ होता है लेजर फोलियो क्वेश्चन नंबर एट इन कश्मीरी लैंग्वेज खलीज पीजेंट इज नोन एज ये जो खलीज पीजेंट है ना ये है बर्ड यू टी यानी कि स्टेट बर्ड जैसे होता है ना वैसे ही होता है ये जे एंड के का यू टी बर्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इसको हम कश्मीरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं वन कॉकुर ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ओवेरा और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन तो ये कहाँ है अनंतनाग में तो आप बाकी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं इनके बारे में भी पढ़ लेना आप क्वेश्चन नंबर टेन विच इंडियन नेशनलिस्ट मोमेंट इज ऑल्सो नोन एज अगस्त मोवमेंट तो इनमें से किस नेशनलिस्ट मूवमेंट को हम बोलते हैं अगस्त मोमेंट इसको हम बोलते हैं क्वाइट इंडिया मोमेंट को क्वेश्चन नंबर टेन का जो राइट right आंसर है वो ऑप्शन डी इन नाइनटीन ट्वेंटी एट द बारदोली सत्याग्रह वॉज फाइनली लेड बाय पहला जो ये बारदोली सत्याग्रह है ये नाइनटीन ट्वेंटी एट में हुआ है तो इसको किसने लेड किया है तो इसको वो है ऑप्शन वलाभ पटे वलाभ पटेल ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ डिफाइनड एज द नंबर ऑफ पर्सनज पर स्क्वायर पर स्क्वायर क्या होता है मिलीमीटर होता है सेंटीमीटर होता है डिसीमीटर होता है किलोमीटर होता है मीटर होता है क्या होता है जो डेंसिटी होती है ना वो होती है नंबर ऑफ परसन पर स्क्वायर किलोमीटर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर की मेमोरी को हम किस में मेजर करते हैं तो इसको हम करते हैं मेजर ऑप्शन सी बिट्स में एन एंटीवायरस इज एंटीवायरस क्या होता है ये होता है प्रोग्राम कोड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस इज़ तो सबसे पहला जो बूट सेक्टर वायरस है वो कौन सा है वो है ब्रैन ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन द मैन डैज एज गॉट माई फोन बैग वॉज़ पोअर एंड होम लेस तो इनमें से आपको चलना है कौन सा आ जाएगा द मैन फ्राम होम आई गॉट फ्राम होम आई गॉट माई फोन बैग वॉज़ पोअर एंड होम लेस क्वेश्चन नंबर सेवनटीन अ प्रोसेस इज अ प्रोसेस क्या होता है जो ये कंप्यूटर में होती है ना प्रोसेस बोलते हैं वो क्या होती है तो वो होती है प्रोग्राम इन द एग्जीक्यूशन प्रोग्राम इन द एग्जीक्यूशन जो चल रही होती है क्वेश्चन नंबर एटीन हाउ मेनी कलर डॉट्स मेक अप वन कलर पिक्सल ऑन अ स्क्रीन कितने कलर डॉट्स होते हैं किसमें वन कलर पिक्सल ऑन अ स्क्रीन में और ऑप्शन डी इज द राइट आंसर तीन कलर डॉट्स होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन वट इज़ मीन ऑफ द बूटिंग इन सिस्टम बूटिंग क्या होती है बूटिंग होती है स्टार्टिंग कंप्यूटर कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना उसी को हम बोलते हैं बूटिंग तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेनर्स ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशनज तो इनमें से ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन किस में होते हैं किस ग्रुप में होते हैं तो इस अगर आप देखोगे ना ऑप्शन डी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ये जो जे पी जी होता है ना जे पी जी ये होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्टस ग्रुप ये याद रखना फुल फॉर्म जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्टस ग्रुप ये जो जी आई एफ जिप होता है ना ये होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट क्या होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट ये याद रख लेना फिर होता है बी एम पी ये जो बी एम पी होता है ना ये होता है बिट मैप बिट मैप इमेज फाइल बिट मैप इमेज फाइल लेट्स मूव फॉरवर्ड वी मस्ट अरेंज द डेटा बिफोर कैलकुलेटिंग तो इसमें से जो ये सेंट्रल टेंडेंसी है ना इनमें से पहले हम को पहले हम अरेंज करते डेटा फिर फिर कैलकुलेट करते हैं मगर यहाँ पे वर्ड है मस्ट ज़रूरी करते हैं तो तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी मीडियन में मीडियन में पहले हम अरेंज करते हैं डेटा को व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस आर कंप्यूटर कंप्यूटर स्पीकर्स और हेडफोनज़ ये जो स्पीकर और हेडफोन होता है ना ये कौन से डिवाइस होता है इनपुट होता है आउटपुट होता है बोथ होते हैं स्टोरेज होते हैं ये होते हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस स्पीकर और हेडफोन क्या होता है आउटपुट डिवाइसेस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री यू आर परफ्यूम हैज़ अ वंडरफुल वंडरफुल तो ये है होमोफोन से लिया है तो इसका जो सही आंसर है यहाँ पे आपको बोला है कौन सा वर्ड आ जाएगा करेक्ट मीनिंग इसमें आ जाएगा सेंट मगर कौन सा सेंट आ जाएगा एस सी ई एन टी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर शी रिटर्न टू द डैज ऑफ द एक्सीडेंट तो यहाँ पे आ जाएगा सीन मगर कौन सा सीन आ जाएगा ये सीन नहीं आ जाएगा ये सीन आ जाएगा शी रिटर्न टू दिन टू दिन ऑफ द एक्सीडेंट ऑप्शन बी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फिफ्थ ये है इनक्वाली पे तो पहला स्टेटमेंट अगर हम देखेंगे ना ये ये स्टेटमेंट है तो कंक्लूजनस पहले आपको देखना है क्यों ग्रेटर देन टी ये हमें देखना है ये सही है या गलत है अगर आप देखोगे ना क्यों तो यहाँ पे गेट ओपन है आर से भी गेट ओपन है इज ये इक्वाल्टी भी ओपन है तो ये सही है पहला स्टेटमेंट ये ट्रू है फिर यू से आपको जाना है कहाँ तक आप ऐसे देखो क्यों से जाना है टी तक आपको हर किसी पे गेट ओपन मिलना चाहिए जब आप क्यू से जाओगे ना आर ओपन है आर से जाओगे ना एस ओपन है ऐस से जाओगे ना टी तो ओपन है तो ये सही स्टेटमेंट है फर्स्ट दूसरा स्टेटमेंट आप देखोगे यू से जाना है आर तक यू से आप टी टी तक जा सकते हो आर तक भी जा सकते हो फिर सॉरी यू से आप जा सकते हो टी तक टी से एस तक भी जा सकते हो मगर यहाँ पे फिर गेट बंद है क्योंकि यहाँ पे साइन इस तरफ है इसलिए आर तक आप नहीं जाओगे तो ऑप्शन बी ओनली वन ओनली वन जो पहला स्टेटमेंट है वही वैलिड है तो ऑप्शन ओनली वन ओनली वन कंक्लूजन